और यहाँ पे 11 लीटर का छोटा सा फ्रंग नहीं, अच्छा खासा आपको 30 लीटर का फ्रंग देखने को मिल जाता है, जिसमें आप काफी सारा सामान अपना स्टोर कर सकते हो फ्रंट में भी। सी डोर क्लोज होगा, ये सीट आगे आ जाएगी अपने आप। ये फीचर वैसे हमने महिंद्रा की अल्टुरस में भी देखा था। लॉक करूंगा तो ये अंदर चले जाएंगे, तो सारे अंदर वाले वेंट जो है ऊपर हो रहे हैं, और ये नीचे वाला भी, ये क्या बात है। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक असिस्टेड बोनेट देखने को मिल जाएगा गाड़ी का, है ना। ये भी आपको 6-way एडजस्टेबल मिलेगी और इलेक्ट्रिक सीट देखने को मिलेगी, और सीट में आप देख सकते हो लंबा सपोर्ट देखने को मिलेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रिक टेलगेट भी आपको देखने को मिलेगा, एज यू कैन सी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो भी आपको एम्बिएंट लाइट देखने को मिलती है, हल्का हल्का आपको शायद महसूस हो भी रहा होगा। सो गाइस, दिस इज द ब्लैक ब्यूटी इन फ्रंट ऑफ मी, BYD सील। जैसा कि आप नेम देख पा रहे हो गाड़ी का, BYD है, बिल्ड योर ड्रीम्स। सील का टॉप एंड वेरिएंट परफॉर्मेंस आपके सामने खड़ा हुआ है, परफॉर्मेंस ऑल व्हील ड्राइव। ये ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है, काफ़ी मैसिव परफॉर्मेंस है इस गाड़ी में, काफ़ी बड़ा बैटरी पैक मिलता है, और अच्छी खासी आपको 600+ किलोमीटर की रेंज आपको देखने को मिलती है इस गाड़ी में। पीछे से लुक कुछ ऐसी दिखेगी आपको, हालांकि है इलेक्ट्रिक गाड़ी, पर आपको टेस्ला से कम नहीं लगेगी गाड़ी किसी भी एंगल से, और टेस्ला से कई गुना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी है। हालांकि टेस्ला इंडिया में नहीं है, तो अभी इंडिया में आपके पास BYD सील है। आपके सामने DRL ऑन है गाड़ी के, काफ़ी प्यारा DRL आपको देखने को मिल जाता है। ये आपकी हेडलाइट ऑन होगी यहाँ पे, और यहाँ पे मैट्रिक्स LED आपको देखने को मिलेगी, जो आपकी हाई बीम असिस्ट के साथ देखने को मिलती है। मतलब कोई भी स्मार्ट फीचर जो गाड़ी में आ सकते हैं ना, सारे आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी बढ़िया लाइट आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर वगैरह ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे, कैमरा भी देखने को मिलेगा, 360 डिग्री कैमरा आता है गाड़ी में। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको अडास के सारे फीचर मिलेंगे, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प, और ये इंडिकेटर हो गए गाड़ी के, काफ़ी प्यारा। और यहाँ पे भी इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएंगे LED वाले। यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट मोनिटर भी देखने को मिलेगा गाड़ी में। काफ़ी डाउन टू अर्थ कार है, डाउन टू अर्थ का मतलब लो प्रोफाइल है गाड़ी की, काफ़ी नीचे ग्राउंड क्लियरेंस कम है गाड़ी की। प्रॉपर सेडान है ये परफॉर्मेंस वाली। अगर मैं टायर का साइज आपको बताऊं तो ये 235/45R19 19 इंच के टायर आपको देखने को मिलेंगे, और जो लोहे आपको एरो इंसर्ट के साथ मिलेंगे, ताकि एरोडायनेमिक यहाँ पे गाड़ी का इम्प्रूव हो जाए। काफ़ी बड़ा डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलेगा, और फ्रंट की तरफ आपको यहाँ पे एयर वेंट भी मिलेंगे। अगर मैं पीछे की तरफ आके आपको लाइट दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको डिजिटल टेल लाइट देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, LED तो आपने कई बार देखी होगी, यहाँ पे आपको मिलती है डिजिटल टेल लाइट, जो काफ़ी प्यारी लगती है। और यहाँ पे छोटा सा आपको लिखा हुआ दिख जाएगा BYD टेक। जैसे टेस्ला अमेरिकन ब्रांड है, ये चाइना का टेस्ला आप कह सकते हो इस गाड़ी को। जैसे बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट है, परफॉर्मेंस वेरिएंट है, इसका ऑल व्हील ड्राइव है, तो अगर आपको पावर थोड़ी कम करनी है तो वो पीछे खड़ा हुआ है इसका नीचे वाला वेरिएंट BYD का, तो ऑल व्हील ड्राइव नहीं होता। तो मुझे लगता है ऑल व्हील ड्राइव लेने का यहाँ पे फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव जो है ना, वो उन कंट्रीज़ में ज़्यादा काम किया जहाँ पे स्नोफॉल होती है, जैसे कनाडा हो गया, USA हो गया, क्या चाइना में भी स्नोफॉल होती है, रशिया में भी स्नोफॉल होती है। इंडिया में नॉर्मली प्लेन एरिया में तो स्नोफॉल होती नहीं, और माउंटेन में आप सेडान लेके जाओगे नहीं, तो यहाँ पे आपको ऑल व्हील ड्राइव की जगह ना 2-wheel ड्राइव गाड़ी जो है वो ज़्यादा सूट करेगी। और प्राइस डिफरेंस ना 8 lakhs का है, और ये नहीं है कि अगर ये 0 से 100 जा रही है 4 सेकंड में, तो वो 0 से 100 6 सेकंड में जा रही है, ये फ़र्क है बस। अब मैं आपको बूट ओपन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ से ओपन करना बेटा। इलेक्ट्रिक टेल गेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, और यहाँ पे भी अगर आप बटन्स को देखोगे ना, तो इल्यूमिनेशन देखने को मिलेगी आपको। काफ़ी बड़ा बूट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, हालांकि EV गाड़ी है, EV गाड़ी में क्या होता है कि बूट थोड़ा छोटा हो जाता है ड्यू टू बैटरी पैक, बट यहाँ पे भी आपको काफ़ी डीप जगह देखने को मिल जाएगी। अगर मैं दिखाऊँ तो इतना डीप मेरा हाथ अंदर चले गया। उसके अलावा भी काफ़ी बढ़िया जगह, यहाँ पे नेट मिल गया आपको, और इधर आपको डायनो ऑडियो मिलती है इस गाड़ी के अंदर, उसका सबवूफर आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी प्रीमियम साउंड है, वो मैं अलग से शॉट डाल लूँगा, आपको दिख जाएगी उसमें। अंदर की तरफ आपको 2-2 LED लैंप देखने को मिल जाएंगे बूट के अंदर, तो प्रीमियमनेस की कमी नहीं छोड़ी। ऊपर से एक लैंप नहीं, 2-2 लैंप कंपनी ने प्रोवाइड करे हैं। पीछे की तरफ भी आपको स्पीकर देखने को मिल जाते हैं बूट के ऊपर भी, अंदर डोर के ऊपर भी आपको स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ भी स्पीकर मिल जाएगा, यहाँ भी ट्विटर, तो चार तो यही हो गए, 2 पीछे हो गए, 6 एक पीछे हो गया, 7 और 4 आगे हो गए,
11 और एक सेंटर में हो गया 12, तो 12 स्पीकर का आपको सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं पीछे की भी आपको यहाँ पे सीट दिखाऊँ ना, ये देखिए आप, मैं बैठते हुए आपको दिखा रहा हूँ। अंदर गिरोगे यार आप, आके बस कहोगे सो जाना यार, इसी में ड्राइव करनी है। और व्यू देखो यार, आप चाहे ऑडी ले लो, BMW ले लो, इस प्राइस सेगमेंट में 50-60 लाख रुपए में आपको नहीं मिलने वाली है उस लेवल का कंफर्ट, फीचर, प्रीमियमनेस देगी। अब अंडर टायर सपोर्ट देखो, पहले तो कितनी मैसिव अंडर टायर सपोर्ट है, अच्छा खासा लेग रूम आपको देखने को मिल रहा है, मैगजीन होल्डर, मोबाइल होल्डर भी पीछे देखने को मिलेगा। साइलेंट, जैसे ही गाड़ी को बंद करा बाहर की सारी साउंड यहाँ पे गायब होगी, और जितनी भी अंदर लाइट है ना, ये टच बेस है, मैं बस टच करूंगा चल जाएगी, ये टच करूंगा चल जाएगी। ये आप देखो कितना प्रीमियम है, स्लोली जा रहा है ऊपर, इलेक्ट्रिक सीट है ड्राइवर की, अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले। आगे मेरा भाई बैठा है, 5 feet 10 inch इसकी हाइट है, 5'10" इसकी हाइट है, और उस हिसाब से एडजस्ट कर ली। उसके बाद मेरे पास ये मैसिव लेग रूम है, अब देख पा रहे हो इतना ज़्यादा लेग रूम। अब ये क्योंकि प्रॉपर इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के चेसी पे बना है, जिसकी वजह से आपको पीछे बिल्कुल फ्लैट फ्लोर देखने को मिलेगा। और यहाँ भी अगर मैं बताऊँ तो आपको जगह मिल जाती है, और USB Type-C और USB Type-A देखने को मिलेगा आपको गाड़ी के अंदर। उसके अलावा सारी की सारी विंडो ऑटो डाउन और ऑटो अप के फीचर के साथ आपको देखने को मिलेंगी। और इस गाड़ी के अंदर आपको एम्बियंट लाइटिंग भी देखने को मिलेगी, पैरों में भी, जैसा कि आप आगे देख पा रहे हो वहाँ पैरों में, और चारों के चारों डोर्स के ऊपर भी देखने को मिलेगी। और ऊपर तो काफ़ी प्यारा पैनोरामिक सनरूफ, तो नहीं बोलूँगा ग्लास रूफ आप कह सकते हो, कि पूरा ग्लास रूफ देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, मेरा सिर यहाँ आ रहा है, सिर के ऊपर भी ग्लास रूफ है, मेरे सिर के यहाँ पीछे तक जा रहा है ग्लास रूफ, तो दिस इज़ द थिंग। एंड अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ, अरे यार सीट आप देख रहे हो, अंदर को घुसे पड़े, मैं ऐसे गिरा पड़ा हूँ, मतलब अमेजिंग कार यार, इतनी कंफर्टेबल सेडान, यकीन मानो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और पहली बार ऐसी गाड़ी देख रहे हो, और आपका बजट है 50 लाख का, 40 लाख का भी है ना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो गाड़ी 40 लाख 30 लाख 50 लाख की, यही सेडान लेके आओ। अगर आप सेडान ढूंढ रहे हो इंडिया में, इसके जैसे सेडान आपको इंडिया में नहीं मिलने वाली, तीनों हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और सीट की अगर मैं क्वालिटी दिखाऊँ, लेदर अपहोल्स्ट्री, और अगर मैं आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी दिखा दूँ गाड़ी का, तो काफ़ी वाइड आर्मरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, मेरे हाथ से भी बड़ा है यार, ये देखो, दो लोगों के लिए प्रॉपर आर्मरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सीट के अंदर भी काफ़ी अच्छी जगह है, हालांकि ईवी कार्स में होती नहीं है जगह, पर यहाँ पे आपको अच्छी खासी जगह मिल जाएगी। रियर एसी वेंट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे इसका बटन है, ये बटन दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे भी आपको काफ़ी डीप स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप अपनी की रख सकते हो। की से याद आया, मैं आपको की भी दिखाता हूँ गाड़ी की। गाड़ी की ऐसी है कुछ, इसमें आपको एक तो स्टार्ट करने का बटन हो गया, दो बार दबाओगे तो बूट ओपन हो जाएगा, लॉक अनलॉक का बटन देखने को मिल जाएगा। काफी स्लीक है, सिंपल है, प्रीमियम है, बढ़िया लगती है की। यहाँ पे आपको कप होल्डर देखने को मिल जाएंगे, इलेक्ट्रोक्रोमिक आपको मिरर देखने को मिलेगा, आगे भी कैबिन लाइट मिलेंगी, वैनिटी मिरर मिलेगा वैनिटी लाइट के साथ, ड्राइवर को भी मिलेगा, पैसेंजर को भी मिलेगा, ग्लव बॉक्स मिलेगा, ग्लव बॉक्स के अंदर भी लाइट आपको देखने को मिलेगी। सेंटर में आपको दो दो वायरलेस चार्जर देखने को मिलेंगे, एक फोन ऑलरेडी चार्ज पे लगा हुआ है और दूसरा फोन भी आप बराबर में रख सकते हो। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक गियर शिफ्टर देखने को मिल जाएगा, स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलेगा, और इस सामने आपको मैसिव 15 इंच की स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसे आप लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड में भी कन्वर्ट कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। मतलब अगर आपको एप्पल कारप्ले चलाना है तो लैंडस्केप पे चल जाएगा, एप्पल कारप्ले चला के दिखा, जैसे एप्पल कारप्ले आप दबाओगे तो एप्पल कारप्ले जो है वो आपका लैंडस्केप मोड पे चलता है, तो ऑटोमेटिकली आप साइज देख रहे हो। और 10 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सारा डाटा मिलेगा देखने को। स्टेयरिंग की बात करूं तो आपको सारे कंट्रोल मिलेंगे, और 360 डिग्री कैमरा भी आता है इस गाड़ी के अंदर, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। व्हीकल इमेज पे क्लिक कर, सेंटर में नीचे की तरफ ऊपर व्हीकल इमेज, दिस इज द क्वालिटी ऑफ 360 डिग्री कैमरा, वो रहा 3D, नीचे राइट में, अब घुमा के दिखाते हैं। काफी क्लियर व्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सील आपको गाड़ी देखने को मिल रही है। गाइस जैसे मैं बीच वाली सीट पे बैठा हूँ ना यहाँ पे, तो आप सामने देखिए, वहां पे भी गाड़ी आपको बताएगी कि बीच में भाई मेरा आगे बैठा हुआ है और मैं बीच में बैठा हूँ, तो वो वाला जगह रेड होगी,
हालांकि बाकी गाड़ियों में जैसे आजकल ये फीचर आ रहे हैं, आपको पता है कि सीट बेल्ट रिमाइंडर वाले, तो इसमें प्रॉपर सेंसर सीट के नीचे लगा हुआ है, जो वेट सेंसर, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट, एयर बैग, ABS, CBD, ADAS, हर चीज आपको सेफ्टी के लिए इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगी। कार से निकलना भी काफी आसान है, 19 इंच के अलॉय व्हील आपको देखने को मिलेंगे। और अगर मैं अपनी हाइट के हिसाब से बताऊं तो ये मेरी हाइट है, और हाइट के हिसाब से ये गाड़ी आ रही है यहाँ पे, एज यू कैन सी, काफी प्यारी, काफी प्रीमियम गाड़ी लग रही है देखने से। क्या बात है यार, क्या बात है, इतने प्यारे डोर हैंडल आपको मिलेंगे, और ऐसे करके आप गाड़ी खोल लोगे, देन यू हैव दिस प्रीमियम डोर, और कहीं से भी आपको गाड़ी किसी भी एंगल से बेकार नहीं लगने वाली, क्योंकि इतनी प्रीमियम गाड़ी है ना, आपको बहुत प्रीमियम लगने वाली है। इतने प्यारे बटन यहाँ पे, LED फिनिश, और यहाँ पे वेलवेट टच मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी लैम्बोर्गिनी टाइप की गाड़ी को देख रहे हो, क्योंकि लैम्बोर्गिनी टाइप की गाड़ियों में ना इस तरह का इंटीरियर देखने को मिलता है। जो पैसेंजर सीट भी है ना, ये भी आपको 6-way एडजस्टेबल मिलेगी, और इलेक्ट्रिक सीट देखने को मिलेगी, और सीट में आप देख सकते हो लंबा सपोर्ट देखने को मिलेगा, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलेगा, पर पूरी स्पोर्ट्स सीट आपको मिलेगी, क्योंकि इस कार के अंदर आपको क्या होगा, जब आप गाड़ी को भगाओगे ना तो आपको सीट के साथ चिपका देगी, तो पूरी स्पोर्टी सीट आपको देखने को मिलती है। ये फ्रंट का आप थोड़ा सेंटर कंसोल देख लो, AC वेंट देख लो, यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट भी देखने को मिलती है डैशबोर्ड के अंदर, और ये नीचे की तरफ USB टाइप सी, USB टाइप है, और 12 वोल्ट का पावर सॉकेट जो 120 वाट तक की चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। लैपटॉप वगैरह भी आप चार्ज कर सकते हो, और यहाँ पे आपको सामान रखने की काफी अच्छी जगह, मतलब कार अगर प्रीमियम है, थोड़ी लग्जरी है, तो इसमें उन्होंने जगह की भी सारी प्रैक्टिकलिटी रखी है, और यहाँ पे भी आपको एम्बिएंट लाइट देखने को मिलती है। हल्का हल्का आपको शायद महसूस हो भी रहा होगा, पर बहुत प्यारी एम्बिएंट लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, तो कार में उन्होंने किसी चीज की कमी नहीं रखी। स्टेयरिंग अगर आप देखोगे तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो आप देख रहे हो 94% बैटरी है गाड़ी की, और उसमें रेंज दिखा रही है 549 किलोमीटर की। तो इस तरह का पोम वाला हॉर्न आपको देखने को मिलता है, सेम जैसे क्रेटा वगैरह में आपको देखने को मिलता है। देखिए यार, AC के कंट्रोल, अब कह दो आप कौन सी गाड़ी में आपको देखने को मिलता है। वेंटिलेटेड सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी, और हीटेड सीटें भी आपको देखने को मिलेंगी, आपको जो साइड मिरर है वो भी हीटेड मिलेंगे यहाँ पे देखने को, दिस इज द प्रीमियम फीचर। और यहाँ पे जो सीटें हैं ये भी हीटेड मिलेंगी आपको, दोनों आगे वाली भी और वेंटिलेटेड भी मिलेंगी, दोनों आगे वाली, पीछे वाली नहीं, आगे वाली। अब जैसे यहाँ पे ऑन करा, ये मैंने ऑन करा अपना वाला भी, तो यहाँ पे ब्लू आ गया, अगर मैं ये वाला ऑन करूँगा तो ये रेड हो गया, अब ये सीट गर्म हो जाएगी। अब देखो इसे गर्मी लग रही है, इसने ठंडी कर ली, मुझे ठंड लग रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सीट को गर्म कर लूँगा। तो यार एक नंबर फीचर है, और साइड वाले मिरर भी देखो हीट हो रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी प्यारा फीचर है। और ये देखो, ये तो है ही है, ये भी दिखाना है यार, ये तो है ही है, पोर्ट्रेट में हो गया तो अब ऐसे लिखा आ जाएगा। और रियर विंडशील्ड भी आपको हीटेड मिलेगी, रियर विंडशील्ड का मतलब वो डिफोगर वगैरह जो होते हैं ना पीछे, वो मिल जाएगा। और एयर प्योरीफायर भी आपको देखने को मिलेगा, PM2.5 फिल्टर, सारा कुछ तो यहीं बता रहा है ये। AC भी आप यहीं से कंट्रोल, ये देखो, अरे यार आपको हवा ऐसे नहीं फोल्ड करनी, आपको ये हवा उधर को चाहिए, दिखाओ हो रहा है उधर, ये देखो ये भाई करेगा, ये ऊपर नीचे इन्हें दिखा, एक जगह करना ऊपर कर, अब देखो ये अपने आप ही लेगा, दिख रहा है आपको, ये इस गाड़ी का स्मार्ट फीचर है, हाथों से चला रहे हैं ये, अब जिधर हवा करोगे ना, ये देखो ये ऊपर कर दिया, तो सारे अंदर वाले वेंट जो हैं ऊपर हो रहे हैं, और ये नीचे वाला भी, ये क्या बात है, ये तो यार बच्चों के लिए खेलने का खिलौना हो जाएगा ये फीचर, शायद किसी को नहीं बताऊंगी। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इसका अलग मेरा अलग, और स्विंग भी आप कर सकते हो, स्विंग कर सकते हो ऑटोमेटिक, देखो अंदर स्विंग हो रहा है, जैसे घर के AC नहीं होते, यहाँ पे दिखा दे, यहाँ पे ये देखो, ये देखो, पहले मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये स्विंग हो रहे हैं, और यहाँ भी आप देखिए सेम एनिमेशन चल रहा है कि किधर हवा जा रही है। तो बस यही तो जादू है यार गाड़ी का, यही तो चीज़ है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, फैन स्पीड यहाँ से आप प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, अभी मैं कम कर देता हूँ, और यहाँ से आप डुअल स्क्रीन भी चला सकते हो, बड़ी स्क्रीन का फायदा तो लोगे कि नहीं लोगे। तो आप दो चीज़ें भी, जैसे ड्राइवर कह रहा है आप कहीं बैठे हो, वो चार्ज कर रहा है गाड़ी को,
वो अपनी अलग चलाएगा, आप अपनी अलग चलाओ, ये दो स्क्रीनों में डिवाइड हो गया, मैं अपनी अलग चलाऊंगा वो अलग चलाएगा, तभी बड़ी स्क्रीन दे दी उन्होंने एक ही बार में। सो गाइस बीवाईडी सील का एक और छोटा सा फीचर, भाई डोर खोलो, अब देख रहे हो सीट पीछे जा रही है और जैसे ही डोर क्लोज होगा ये सीट आगे आ जाएगी अपने आप। ये फीचर वैसे हमने महिंद्रा की अल्टुरस में भी देखा था एंड इंडियंस ने उस गाड़ी को भी नहीं खरीदा, वो गाड़ी भी महिंद्रा ने बंद कर दी। इस तरह के फीचर्स की कमी है इंडिया में यार, फॉरेन में ऐसे फीचर हर गाड़ी में आते हैं, तो ये फीचर भी बीवाईडी ने यहाँ पे दिया, दिस इज द ग्रेट थिंग। और सीटों में मसाजर भी आपको देखने को मिलेगा ड्राइवर साइड। तो ये डोर देखिए कितना स्पोर्टी लुक में डोर है और ये क्लोज हो गया काफी प्यारा, और ये इसकी ओपनिंग देखिए आप काफी वाइड ओपनिंग है, और यहाँ से अगर मैं आपको जगह दिखाऊं काफी ज्यादा जगह, और रिक्लाइन एंगल भी काफी बढ़िया है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आप इसको फोल्ड भी कर सकते हो जिससे आपके बूट की जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक असिस्टेड बोनेट देखने को मिल जाएगा गाड़ी का, काफी बड़ा बोनेट है यार, अगर आप देख पा रहे हो ना काफी बड़ा। और यहाँ पे आपको वॉशर फ्लूड डालने की जगह मिल जाएगी और सारा क्लीन है बिल्कुल। और यहाँ पे आपको एक प्यारा सा फीचर मिलता है जो आजकल काफी यूट्यूबर दिखा रहे हैं, टाटा के कर्व में, टाटा की नेक्सोन में, टाटा की पंच में, नेक्सोन में नहीं सॉरी पंच में, जिसे फ्रंक बोलते हैं। पर आपको जान के हैरानी होगी कि ये फीचर टाटा ने इन्वेंट नहीं किया, ऑलरेडी फॉरेन में टेस्ला या बीवाईडी जैसी कंपनीज इसको इन्वेंट कर चुकी हैं। और यहाँ पे 11 लीटर का छोटा सा फ्रंक नहीं, अच्छा खासा आपको 30 लीटर का फ्रंक देखने को मिल जाता है जिसमें आप काफ़ी सारा सामान अपना स्टोर कर सकते हो। फ्रंट में भी कुछ भी आप अपना हिडन चीज़ें कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो आगे की तरफ। तो आगे वाली डिक्की को फ्रंक बोलते हैं, पीछे वाली डिक्की को ट्रंक बोलते हैं। तो इस ऐसे कुछ वाइपर आपको देखने को मिलेंगे। इस तरफ आपको हेडसअप डिस्प्ले देखने को मिलेगा, एज यू कैन सी कि वहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ और वो सेम चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी जब आपकी गाड़ी चलेगी, स्क्रीन के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगी। पीछे की तरफ जो बूट है और यहाँ से बटन दबा के आप इसे लॉक भी कर सकते हैं फिर से। और यहाँ पे अगर आप देखो ना साइड स्कर्टिंग काफ़ी प्यारी दी है, रियर लाइट आपकी यहाँ चलेगी रिवर्स गियर की। पीछे की तरफ आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे, रियर कैमरा दिख जाएगा, डायनेमिक टर्न इंडिकेटर आपको देखने को मिलेंगे, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर। और एक बार मैं इसको लॉक करके आपको दिखा देता हूँ, ये लॉक करी डोर अंदर चले गए और जैसे ही अनलॉक करूँगा ये बाहर आ जाएंगे, ये भी खुल जाएंगे और ये बाहर आ जाएंगे, लॉक करूँगा तो ये अंदर चले जाएंगे। दैट्स इट दोस्तों, ये बीवाईडी सील का नीचे वाला वेरिएंट खड़ा है, इसमें भी सेम आपको 235/45R19 के अलॉय व्हील देखने को मिल जाएंगे एज यू कैन सी। और कलर ये थोड़ा डिफरेंट खड़ा है, हालांकि इसमें आप ब्लैक कलर भी ले सकते हो, और ये टॉप वेरिएंट नहीं है, ऑल व्हील ड्राइव नहीं है। मैं बस आपको एक बार ये दिखा रहा हूँ कि अगर आप इसका नीचे वाला वेरिएंट भी लेते हो तो सब कुछ सेम, ये मून लाइटिंग सेम, आपको लेदर फिनिश सेम, आपको वेलवेट फिनिश सेम, आपको ऑडियो मिलेगी डायना ऑडियो, और यहाँ से इलेक्ट्रिक टेलगेट भी आपको देखने को मिलेगा एज यू कैन सी, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जैसे इंटीरियर सेम मिलेगा, सेम स्क्रीन मिलेगी, सेम आपको ऑटो डिमिंग आयर भी मिलेगा, सेम लाइटें मिलेंगी, सेम पीछे की तरफ रीडिंग लैंप, और ऊपर की तरफ आपको बड़ी सी ग्लास रूफ देखने को मिलेगी, मतलब बिल्कुल सेम सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस वाले वेरिएंट में भी। और 8 लाख का डिफरेंस है इस वेरिएंट में और उस आगे वाले वेरिएंट में, मैं मानता हूँ ये वेरिएंट काफ़ी वैल्यू फॉर मनी, अंडर 50 लाख आपको ये गाड़ी पड़ जाती है जो कि काफ़ी प्यारी कार है। सो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो समझ आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, मेरे लिए नहीं तो बीवाईडी सील के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे ऐसी किसी अच्छी वीडियो के साथ, टिल देन टाटा बाय बाय।